Welcome to CR International Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन का चैप्टर नंबर 3 रीड कर रहे थे जिसका नाम था राज्य शासन कैसे काम करता है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि स्थानीय जो सरकार है वो कैसे काम करती है पंचायत के थ्रू और जिला प्रशासन के थ्रू वो काम करती है। जैसे पंचायत का काम था गलियों में सड़कें बनवाना, गलियों में लाइट का प्रबंध करना, गांव वालों के लिए पानी का प्रबंध करना, तो पूरे राज्य के अंदर ये काम कौन देखता है? पूरे राज्य के अंदर ये काम है राज्य सरकार का। किसका काम है? राज्य सरकार का। हमारी जो गवर्नमेंट है वो 3 लेवल्स में बटी हुई है। नेशनल लेवल है जिसमें केंद्र सरकार काम करती है, फिर केंद्र सरकार तो एक सरकार तो पूरे कंट्री का ध्यान नहीं देख सकती, इसलिए हमारी कंट्री में राज्य सरकार है। फिर राज्य सरकार अपने ही राज्य में देखती है, और फिर राज्य सरकार के बाद तीसरी थी आपकी स्थानीय सरकार जिसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, अब इस राज्य शासन कैसे काम करता है इसको जानने के लिए हमने पातालपुरम की स्टोरी पढ़ी थी कि पातालपुरम में किस प्रकार से हेल्थ सिचुएशन खराब हो गई और लोगों ने विधायक के घर के आगे घेराव किया। फिर हमने पढ़ा विधायक होता कौन है। विधायक को इंग्लिश में हम MLA कहते हैं। ये विधानसभा का सदस्य है या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इसे कहा जा सकता है। और हमने पढ़ा सत्ता पक्ष के बारे में और विरोधी पक्ष के बारे में। सत्ता पक्ष कौन सा पक्ष होता है? सत्ता पक्ष वो जिसकी अभी सरकार बनी हुई है, जिस पार्टी ने सरकार बनाई वो सत्ता पक्ष की कहलाती है, और सत्ता पक्ष होने के लिए उसे बहुमत का होना जरूरी है। बहुमत अर्थात मतलब जब इलेक्शन होते हैं तो उसके आधे से ज्यादा उसके जो मेंबर्स हैं वो जीतने चाहिए उस पार्टी के। ठीक है, तो वो पार्टी सत्ता पक्ष में हो जाती है, वही पार्टी सरकार बनाती है। जैसे मान लीजिए टोटल सीटें हैं 30, और 30 में अगर किसी पार्टी को बहुमत चाहिए तो उसे 15+1 16 सीटें उसके पास होनी चाहिए। तो जिस भी पार्टी के 16 मेंबर जीत जाएंगे वो वहां का क्या हो जाएगा, सत्ता पक्ष में आ जाएगा, मतलब वो पार्टी वहां पर सरकार बनाएगी। और जो बाकी की जो पार्टियां हो गई वो सारे विरोधी पक्ष कहलाएंगे, मतलब ये सत्ता में तो है नहीं, ये दूसरी पार्टियों के हैं, तो ये विरोधी पक्ष कहलाते हैं। और मुख्य विरोधी पक्ष कौन सा होता है? जो सेकंड नंबर पर होता है। सत्ता पक्ष के मान लीजिए आधे से ज्यादा है और उसके बाद सेकंड नंबर पर जिसके मेंबर थे वो आपका मुख्य विरोधी पक्ष कहलाता है। ठीक है, आज हम बेटा जो पढ़ने वाले हैं विधानसभा में एक बहस, कि विधानसभा में बहस कैसे होती है वो देखिए। आफरीन, सुजाता और उनके विद्यालय में अन्य कई विद्यार्थी एक विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा करते हैं। मतलब आफरीन और सुजाता जो है अपने विद्यालय में कई बच्चों के साथ राजधानी की यात्रा की ताकि वो वहां पर जाकर विधानसभा को देख सकें। विधानसभा एक अत्यंत भव्य तथा प्रभावशाली भवन में स्थित थी। बच्चे बहुत उत्सुक थे। जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी जहां से वे नीचे के विशाल हाल को देख सकते थे, और हाल में अनेक डेस्कों की अनेक कतारें लगी थी। मतलब वो विधानसभा को देखने गए, एक बहुत अच्छे एक अत्यंत भव्यशाली भवन के अंदर विधानसभा स्थापित की गई थी, और विधानसभा में एंटर करने से पहले उस भवन में एंटर करने से पहले पहले उन बच्चों की चेकिंग की गई। जब उनकी चेकिंग कंप्लीट हो गई तो उन्हें सीढ़ियों के द्वारा ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक कॉरिडोर था, एक दीर्घा थी जहां से वो नीचे की तरफ देख सकते थे जहां पर विधानसभा की बैठक होनी थी, और वहां पर डेस्कों की लंबी कतारें लगी थी। डेस्क क्यों, बेंचेस क्यों लगे थे वहां पर? क्योंकि विधानसभा में बेंचेस लगे रहते हैं राउंड शेप में। आपने संसद का चित्र भी देखा होगा, ये देखिए ये डेस्क की कतारें लग रही है यहाँ पर इस तरीके से, जो वहां पर है डेस्क की कतारें लगी रहती हैं, और वो बच्चे ऊपर से देख रहे थे और हाल में ही कह रहे थे कि वहां पर विधानसभा की एक मीटिंग होने वाली है। आगे देखिए, यह विधानसभा उन दिनों किसी तात्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी कि विधानसभा की मीटिंग होने ही वाली थी, और वहां पर कोई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी जिसके बारे में वहां पर डिस्कस होने वाला था।
विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त करते हैं। जब विधानसभा में बहस होती है तो जो विधायक है, विधायक सिर्फ सत्ता पक्ष के नहीं विरोधी पक्ष के भी, सभी विधायक टोटल जितने भी मेंबर है विधानसभा के वो सभी बहस करते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछते हैं। जिस विषय पर बहस हो रही होती है उस पर अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर वो सुझाव भी दे सकते हैं कि सरकार जो ये काम कर रही है यदि वो उसे इस तरीके से करेगी तो उसका ज्यादा फायदा हो सकता है। इस प्रकार के सुझाव भी दे सकती है कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए, मतलब उनके पास कोई अच्छा आइडिया है तो वो दे सकते हैं सरकार को। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें वो कर सकते हैं। सदस्य मतलब कोई भी टॉपिक है, विधानसभा का सदस्य यदि किसी विषय पर बहस हो रही है तो हर एक मेंबर को अधिकार है कि वो जैसी भी प्रतिक्रिया चाहे वो व्यक्त कर सकता है। यानी इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं, मतलब उसने प्रतिक्रिया की, उसने कोई प्रश्न पूछा तो जो मंत्री हैं उस विभाग के उन्हें वो प्रश्न देना ही होता है और सदन को आश्वस्त करना पड़ता है कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मतलब जो विरोधी पक्ष के लोग ज्यादा प्रश्न पूछते हैं, जब विरोधी पक्ष के लोग प्रश्न को पूछते हैं तो सत्ता पक्ष में जो भी मंत्री उस विभाग का है उसे उन्हें उत्तर देना होता है, और उत्तर भी ऐसा होना चाहिए जिससे कि सभी आश्वस्त हो जाएं कि सरकार ने कुछ अच्छे कदम उठाए हैं लोगों के वेलफेयर के लिए। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। मुख्यमंत्री का काम है, मुख्यमंत्री और जो अन्य मंत्री वो सभी सरकार चला रहे हैं, इसीलिए सभी कामों पर वो निर्णय लेते हैं और सरकार चलाना उन्हीं का काम है। हम प्राय उन निर्णयों के बारे में सोचते हैं, सुनते हैं या समाचार चैनलों या समाचार पत्रों में उन्हें देखते हुए पढ़ते हैं, हालांकि जो अभी निर्णय लिए गए हैं। जब भी हम टीवी न्यूज देखते हैं या न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं तो उसमें हम सिर्फ उन्हीं निर्णयों के बारे में पढ़ते हैं जो मतलब करंट हैं, जो अभी लिए गए हैं, उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। आगे देखिए, लोकतंत्र में विधानसभा के सदस्य मंत्री और मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं। लोकतंत्र यानी हमारे देश में डेमोक्रेसी है तो सभी लोगों को पूर्ण अधिकार है, इसलिए विधानसभा के सदस्य को भी अधिकार है कि वो मंत्री और मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछे, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, उनके साथ निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए। मतलब सत्ता पक्ष तो काम ही कर रही है लेकिन विरोधी पक्ष जो है वो भी मंत्रियों से और मुख्यमंत्रियों से बहस कर सकते हैं, उन्हें सुझाव दे सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि उन्हें धन कहाँ कहाँ पर खर्च करना चाहिए। इस तरीके से मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है क्योंकि वो सरकार की कमियों को छांटते हैं। देखिए, विधायक एक, अब जो विधानसभा में बहस हो रही थी उसकी चर्चा की जा रही है। विधायक एक जो पहले नंबर का विधायक है वो क्या कह रहे हैं, अखंड गांव में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो जो विधायक एक है वो कह रहे हैं कि अखंड गांव में मेरे निर्वाचन क्षेत्र से, निर्वाचन क्षेत्र समझते हैं जहां के मतदाताओं ने उन्हें वोट देकर चुना था, उस क्षेत्र से जहां के वो विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि अखंड गांव का वो विधायक था, उसने कहा कि मेरे क्षेत्र में 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है 3 हफ्तों के अंदर। मेरे विचार में सरकार के लिए यह बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही। तो उस विधायक का कहना था कि सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है कि इतनी टेक्निक होने के बाद भी हैजे जैसी बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पा रही है सरकार, तो सरकार पर प्रश्न उठा रहे थे। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहूंगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। उनका कहना था कि वो स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस बात पर देना चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों से 15 व्यक्ति मर चुके हैं, तो इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कदम उठाए। स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान वो इस ओर आकर्षित कराना चाहते थे। ठीक है, आगे देखिए, विधायक दो, नंबर दो का विधायक क्या कह रहा है, मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो कंडीशन है उस पर वो विधायक क्वेश्चन उठा रहे हैं। सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टर व चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही, उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल्स में जो है और हॉस्पिटल और चिकित्सालयों के अंदर जो कर्मचारियों की कमी है, सरकार ने प्रॉपर उनकी नियुक्ति नहीं की है। सरकार को चाहिए कि वो वहां पर जल्दी से जल्दी डॉक्टरों की नियुक्ति करे। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सरकार इस स्थिति का सामना करने के लिए
किस प्रकार के कदम उठा रही है जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं। और साथ में विधायक जो का कहना था कि सरकार इस समस्या से निपटने के लिए क्या कर रही है, वो भी जानना चाहते थे कि वो सरकार उन्हें बताए कि वो क्या कर रहे हैं। और ऐसी बीमारी जिससे हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं, अब यह कोई बीमारी नहीं रही, अब तो यह महामारी का रूप ले चुकी है। किसने कहा ये? विधायक दो ने। विधायक तीन का कहना था, मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोलपट्टी, इनका निर्वाचन क्षेत्र का नाम है तोलपट्टी, में भी पानी की कमी की एक गंभीर समस्या है। औरतों को पानी लाने के लिए 3-4 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। तो विधायक तीन ने कहा, वो तोलपट्टी निर्वाचन क्षेत्र के विधायक हैं, उन्होंने कहा मेरे क्षेत्र में पानी की बहुत कमी है, मैं सरकार से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में पानी की इतनी कमी कि वहां पर औरतों को पानी लेने के लिए 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, सरकार इसके लिए क्या कर रही है। मैं जानना चाहूंगा कि पानी पहुंचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है, कि सरकार ने वहां के लोगों को पानी उपलब्ध करवाने के लिए कितने टैंकरों को पानी पहुंचाने के काम पर लगाया है, मतलब सरकार ने कितने टैंकर नियुक्त किए हैं कि वो उस क्षेत्र में पानी पहुंचाएं, कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है, और सरकार ने कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवा दी और उन्हें संक्रमण मुक्त यानी कि बीमारी के जीवाणुओं से उन्हें रहित कर दिया है। ये क्वेश्चन किए विधायक तीन ने। विधायक चार, मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। विधायक चार कुछ अलग ही तरीके से बोल रहे थे। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण लाने के लिए कदम उठाए हैं, पानी के टैंकरों को भी काम में लगा दिया है, ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं, सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। तो बेटा अभी तक आपने देखा कि जो विधायक 1, 2 और 3 सरकार के विपरीत बात कर रहे थे, सरकार से बहस कर रहे थे, वहीं पर जो विधायक 4 है वो सरकार का पक्ष ले रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे जो साथी हैं वो तो इस समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, सरकार ने इस समस्या को दूर करने के लिए पानी के कई टैंकरों को काम में लगा दिया है, सरकार ने ORS के पैकेट भी बांटे हैं और सरकार लोगों की मदद के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। तो बेटा आपने देखा विधायक जो 4 था वो गवर्नमेंट का पक्ष क्यों ले रहा था बेटा? क्योंकि वो सत्ता पक्ष का विधायक था, ठीक है, वो सत्ता पक्ष का विधायक था। और जो विधायक 1, विधायक 2 और विधायक 3 के बारे में हमने पढ़ा, वो विरोधी पक्ष के विधायक थे, इसीलिए वो सरकार का विरोध कर रहे थे, सरकार की कमियों को सरकार को बता रहे थे कि आप कहां कहां पर चूक गए और आप इन बीमारियों से लड़ने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं वो जानना चाहते थे। लेकिन जो विधायक 4 था वो सत्ता पक्ष का था, इसीलिए वो सरकार का पक्ष लेते हुए उसने कहा कि सरकार तो पानी के टैंकरों को काम पर लगा चुकी है, बहुत सारे ORS के पैकेट भी बांट चुकी है। विधायक 5, हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है। विधायक 5 ने कहा कि अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है, मतलब अच्छी फैसिलिटीज नहीं है हमारे हॉस्पिटल में, कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोई डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्ति नहीं किए गए। वो कह रहे हैं डॉक्टर ही नहीं है, डॉक्टर नियुक्त नहीं किए गए, नए डॉक्टर अपॉइंट नहीं किए गए, नए कर्मचारी अपॉइंट नहीं किए गए, और दूसरे अस्पताल में जो डॉक्टर है वो लंबी छुट्टी पर चले गए हैं, वो एक लॉन्ग लीव लेकर चले गए हैं। यह एक शर्मनाक स्थिति है, यह भी सरकार के लिए एक बहुत ही शर्म की बात है। मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालात तो बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, हम ये कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र में सब परिवारों को ORS के पैकेट पहुंच जाएं। तो वो सरकार से क्वेश्चन कर रहे हैं कि सरकार ये कैसे सुनिश्चित करेगी, सरकार ये काम कैसे करेगी, कैसे जांचेगी सरकार की वहां पर सभी परिवारों को ORS के पैकेट मिल चुके हैं, ORS के पैकेट उन तक पहुंच जाएं, इसके लिए सरकार क्या कर रही है। विधायक 6, विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। बेटा तो ये भी सत्ता पक्ष का है, वो कह रहे हैं कि विरोधी पक्ष के जो लोग हैं, विरोधी पक्ष के जो MLA हैं, वो सरकार पर बेवजह ही प्रश्न उठा रहे हैं, पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया, अब हमने बरसों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ करने का अभियान शुरू किया है। तो उन्होंने बताया ये जो हैजे की बीमारी फैली है या और भी जो बीमारी गंदगी के कारण फैल रही है, ये सिर्फ हमारे कारण ही नहीं है, हमारे से जो पहली सरकार थी उसने भी सफाई को लेकर कोई काम नहीं किया, बल्कि हमने तो
इस कूड़े को उठाने के काम शुरू कर भी दिया है। ठीक है बेटा, देखिए आगे देखिए, आपने ये पिक्चर देखी, पिक्चर देखी ना आपने, ये विधानसभा की पिक्चर थी, देख रहे हैं आप, ये विधानसभा की पिक्चर है। तो ये विधानसभा की जो पिक्चर है, इसमें विधायक एक, विधायक एक जो कह रहे थे मतलब वो विरोधी पक्ष के थे, विधायक दो भी विरोधी पक्ष के थे, तीन भी विरोधी पक्ष के थे, लेकिन ये जो विधायक है विधायक नंबर चार, ये सत्ता पक्ष के हैं, विधायक पांच विरोधी पक्ष, और विधायक जो छह थे वो भी सत्ता पक्ष के थे। तो बेटा इस तरीके से विधानसभा के अंदर बहस होती है। इससे आगे का टॉपिक बेटा हम कल रीड करेंगे। ओके।